उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। चमोली और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर बादल फटने से मलबे में कई लोग फंसे हैं। बादल फटने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। राज्य में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में कई जिंदगियों ने अपनी जान गंवा दी। राज्य के कई इलाकों में शुक्रवार से भारी बारिश हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के साथ ही खुद निगरानी करने की बात भी कही है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कुछ स्थानों पर, कुछ गांव विशेष, कुछ परिवार विशेषों पर ये जो आसमानी कहर टूटा है, भारी वर्षा हुई है, क्लाउड बस्ट जिसको कहा जा रहा है, और उससे बड़ा भूस्खलन हुआ है, भूधसाव हुआ है, उसमें कई घर जमींदोज हुए हैं और वहाँ बचाव दल सब जगह पहुँच गए हैं। उधर गंगोल गांव में भूस्खलन के बाद केदारनाथ हाईवे पर भारी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भूस्खलन के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी और केदारनाथ यमुनोत्री हाईवे पर भारी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। दो जगह में मेजर स्लेड है, किलोमीटर 428.1 और 429.5 में 40 मीटर और 20 मीटर का। इसमें अभी हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, हम जोर से कुछ पूरा जोर लगाएंगे कि आज शाम तक ये रोड खुल जाए, नहीं है तो कल शाम तक किसी भी हाल में। देहरादून में आपदा प्रबंधन केंद्र के उपनिदेशक संतोष बडोइन ने बताया है कि राज्य में कई जगहों पर बारिश थमी है, जिससे नदियों के जलस्तर में कमी आई है। नतीजतन सुरक्षा और राहत कर्मियों के दल फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकालने में जुटे हैं। बारिश हल्की हुई है और इस समय काफी जगहों पर बारिश रुकी हुई है और सभी जिलों में बारिश कम होने की वजह से नदियों का जलस्तर घटा है। जो राहत बचाव कार्य हो रहे हैं उनमें तेजी आई है। ITBP है, BSF है, SSB और असम राइफल की जो एक यूनिट है चरमा में, वो भी राहत बचाव में काम कर रही है। आर्मी के जो लोकल यूनिट है वो भी पिथौरागढ़ में राहत बचाव कार्य में मदद कर रही है। वहीं प्रशासन का कहना है कि राज्य में भारी बारिश की मौसम विभाग की चेतावनी के बाद परिस्थिति से निपटने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। अगले 48 घंटों में वेरी हैवी रेन का प्रेडिक्शन है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वेरी लाइकली है, यानी कि 50% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी है। इसके तहत हमारी जो सारी तैयारियां वो पूरी हैं, हमारा कंट्रोल रूम ऑपरेशनल है 24 घंटे। इसके अलावा जो ऐसे घर हैं जो डेंजरस है उन सब पे हमने अलर्ट भी जारी करवाया है, रेड कलर का क्रॉस भी बना दिया है, वहां पे उन लोगों को वो छोड़ दें, सुरक्षित स्थानों पे जो प्रशासन द्वारा मुहैया कराए गए हैं वहां चले जाएं। भारी बारिश और बादल फटने से अलकनंदा, सरयू और मंदाकिनी समेत कई नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। राज्य में हुई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए NDRF, SDRF, SSB, ITBP, DMM और पुलिसकर्मी प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की निगरानी में बचाव अभियान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।